हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। माय सेल्फ बिंदु प्रशद। सो गाइस, हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने फाइव किंगडम्स को डिस्कस कर लिया था। उसमें किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा को हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हमारी किंगडम चल रही है, दैट इज किंगडम फंजाई, ठीक है। किंगडम फंजाई की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, आप जाके उसमें देख सकते हैं, ठीक है। आज का जो टॉपिक है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ठीक है, कि फंजाई को कितने पार्ट्स में जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया है। तो फोर मेजर ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो किंगडम फंजाई, ठीक है, इसके अंदर हम आज क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, ठीक है। तो बेसिस क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की, ठीक है, किस बेसिस के ऊपर फंजाई को जो है वो फोर मेजर ग्रुप्स में रखा गया है। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है हमारे पास कि माइसिलियम, ठीक है, कि उसमें माइसिलियम कितनी तरह के हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ माइसिलियम, ठीक है। अब माइसिलियम के अंदर क्या होता है, फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो फ्रूटिंग बॉडीज कैसी उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है, फ्रूटिंग बॉडीज जो उसके अंदर फॉर्मड हो रही हैं या प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, उस टाइप के ऊपर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और टाइप्स ऑफ स्पोर्स, ठीक है, किस टाइप्स के स्पोर्स जो है इसके अंदर प्रोड्यूस हो रही हैं, टाइप्स ऑफ स्पोर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो जू स्पोर, ठीक है, कोनिडिया, तो इसके बारे में जो था हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ये थ्री मेन टाइप्स है, सॉरी थ्री मेन जो है बेसिस है, ठीक है, जिस बेसिस के ऊपर जो है फंजाई को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो फंजाई जो है इसको क्लासिफाई किया गया है फोर मेजर ग्रुप्स के अंदर। इसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, सेकेंड वन इज बेसिडियोमाइसिटीज, थर्ड वन इज एस्कोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। इसमें जो बेसिडियोमाइसिटीज है, इसमें मेनली जो है ये सबसे पहले तो ये मोस्ट कॉमन फंजाई है, ठीक है, मोस्ट कॉमन फंजाई है, ठीक है, कॉमन फंजाई है। और जितने भी मशरूम्स टाइप्स आते हैं वो सारे इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, मशरूम। और इसको जो है क्लब फंजाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्लब फंजाई, ठीक है, पफ बॉल फंजाई भी इसको बोला जाता है। एस्कोमाइसिटीज जो है इसका जो कॉमन नेम है, दैट इज सैक फंजाई, ठीक है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर, जो बैग टाइप बने होते हैं, ठीक है। ड्यूटेरोमाइसिटीज जो है इसको बोला जाता है इम्परफेक्ट फंजाई। अब इम्परफेक्ट फंजाई इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो जितने भी हमारे पास थ्री फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, इन तीनों के अंदर जो है वो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज इकलौता ऐसा है जिसके अंदर, सॉरी बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो है वो हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो इसके अंदर अब्सेंट होती है, दैट्स वाई जो है इसे इनपरफेक्ट फंजाई जो है कहा जाता है, ठीक है। अब हम सभी के बारे में जो है वो बारी बारी से डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है हमारे पास फाइकोमाइसिटीज, ठीक है, लोअर फंजाई भी इसे कहते हैं, ठीक है। और ये मेनली जो है एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर पाई जाती है, ठीक है। और ये डिकेइंग वुड, जो गली सड़ी लकड़ी होती है ना, उसके ऊपर, जो कि मॉइस्ट या डैम प्लेसेस के ऊपर पड़ी है, उसके ऊपर भी ये ग्रो कर जाती है, ठीक है। और ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। अब एक होता है ऑब्लिगेट, एक होता है फैकल्टेटिव, ठीक है। ऑब्लिगेट का मतलब है कि जिसके लिए जरूरी है वो चीज, वो उसी के ऊपर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, दूसरे पे नहीं। फैकल्टेटिव का मतलब है मिल रहा है तब भी ठीक है, नहीं मिलेगा तब भी ठीक है, ठीक है। लेकिन ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, यानी पैरासिटिक फंजाई है फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। माइसिलियम जो होता है इसका एसेप्टेट होता है, मतलब उसके अंदर जो है क्रॉस वॉल जो है माइसिलियम के अंदर वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। और इसका जो न्यूक्लियस होगा वो हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेगा, ठीक है। ये सेप्टा इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट नहीं होंगे, सॉरी साइटोप्लाज्म जो होगा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस तरह से, क्योंकि क्रॉस वॉल है नहीं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो है इस तरह से जो है
वो हमारे पास न्यूक्लियस रहेगा, तो मल्टी न्यूक्लियेटेड होगा ये, ठीक है। और दूसरी बात की ये कोइनोसिटिक है, ठीक है। कोइनोसिटिक मतलब कि कोई भी सेप्टा इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, कोई क्रॉस वॉल इसके अंदर नहीं है, एसेप्टेट है ये, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, जूस्पोर्स होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं स्परेंजियम के अंदर, ठीक है। और ये अप्लैनोस्पोर्स होते हैं, अप्लैनोस्पोर्स का क्या मतलब है कि ये हमारे पास कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, ये चल फिर नहीं सकते, ठीक है। नॉन मोटाइल है तो वाटर करंट की, क्योंकि एक्वाटिक हैबिटेट है इसका, तो वाटर करंट की हेल्प से जो है ये मूव करेंगे, यानी वन प्लेस टू अनदर ये स्पोर्स जो है वो मूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर करंट, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी है फाइकोमाइसिटीज के अंदर होती है, तो उसमें जाइगोस्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो इनको कंपेयर मत करने ले जाइए, जूस्पोर्स जो होते हैं ये एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, जाइगोस्पोर्स जो होते हैं वो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। और ये यानी कि जैसे हम जाइगोट कहते हैं ना, द फ्यूजन ऑफ जो कि प्रोड्यूस होता है विद द फ्यूजन ऑफ टू गैमिट्स, ठीक है। दो गैमिट्स से जो बनता है जाइगोट हमारे पास, सेम वैसा ही हमारे पास जो ये बनता है इसको हम जाइगोस्पोर कहते हैं, ठीक है। जाइगोट भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और अगर ये सिमिलर होंगे, यानी कि गैमिट अगर सिमिलर होंगे तो हम उन्हें आइसोगैमस कहेंगे, अगर वो डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट है, डिफरेंट मॉर्फोलॉजी है, तो उन्हें हम एनआइसोगैमस या ओगैमस भी कह सकते हैं। अब फाइकोमाइसिट्स का अगर हम एग्जांपल देखें तो उसमें हमारे पास आता है म्यूकर, ठीक है, राइजोपस जो कि ब्रेड मोल्ड होती है हमारे पास, जो ब्रेड मोल्ड फल है, जो ब्रेड को अगर आप 2-3 दिन के लिए रख दो वर्स्ट प्लेस में रह जाए या बाहर रह जाए तो उसके ऊपर जो फंगस आ जाती है ना, ठीक है। अल्ब्यूगो जो है वो एक पैरासिटिक फंजाई है, ठीक है। और मोस्टली ये आपको कहाँ मिलेगी, जो मस्टर्ड होती है ना उसके ऊपर, जो पत्तों के ऊपर जो व्हाइट स्पोर्स आते हैं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था, एनसीईआरटी में भी गिवन है कि जो व्हाइट स्पोर्स आ जाते हैं मस्टर्ड के ऊपर, दैट इज ड्यू टू द अल्ब्यूगो, ठीक है, व्हाइट रस्ट ये वहां पे कॉज कर दी। सो सेकेंड वन है हमारे पास बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर देखिए ये मेनली जो मशरूम जितने भी हैं वो सारे इसी के अंदर इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इसकी कॉमन नेम क्या है, ब्रैकेट फंजाई भी हम इसे कहते हैं, क्लब फंजाई और पफ बॉल फंजाई, ठीक है। इसमें से अगर कोई भी आपको आए कि विच फंजाई इज नोन एज द ब्रैकेट फंजाई, क्लब फंजाई एंड पफ बॉल फंजाई, दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। और मेनली ये ग्रो कर जाती है सॉइल में, ठीक है, जो लकड़ी के टुकड़े पड़े होंगे बड़े बड़े लोब्स के ऊपर, ट्री स्टेम्स के ऊपर, ठीक है। और प्लांट बॉडी में ये एज ए पैरासाइट होती है, ठीक है, रस्ट और स्मट जो कॉज करती है, दैट इज पार्ट्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है। माइसीलियम जो होता है इसका सेप्टेट होता है, सेप्टेट मतलब इस तरह से अगर इसका माइसीलियम है तो क्रॉस वॉल और सेप्टा उसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और जो माइसीलियम है इसका ब्रांच रहता है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं बेसिडियो के अंदर प्रेजेंट नहीं होते, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है बाय फ्रेगमेंटेशन, और ये बहुत कॉमन है बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर। अब देखिए बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस नहीं होते, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसके अंदर नहीं हो रही है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर हो रही है, लेकिन देखिए इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट ही नहीं होते, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम आगे, तो बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन जो इसके अंदर रिप्रोडक्शन होती है दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन अगर एब्सेंट है तो कैसे हो रही है, क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मोगैमी होती है, ठीक है। हमने जो था पिछली वीडियो में डिस्कस करा है, वहां पे हमने प्लाज्मोगैमी को डिस्कस करा था कि इसमें क्या होता है, जो इसका प्रोटोप्लास्ट होता है उसी में जो है फ्यूजन हो जाती है, ठीक है। इसमें हमारे पास दो सेल्स फ्यूजन की हो जाएगी उनकी, ठीक है, फ्यूजन ऑफ टू या तो वेजिटेटिव या फिर सोमेटिक सेल्स की, ठीक है, जो कि डिफरेंट स्ट्रेन के होंगे, उनकी आपस में फ्यूजन होगी, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मोगैमी होगी, यानी कि प्लाज्मा जो उनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म है ना उसमें आपस में जो है वो फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बन के आती है वो कैसी होगी, डायकैरियोटिक होगी। डायकैरियोटिक देखिए हमारे पास टू सेल थे ना इस तरह से, तो उनका क्या हुआ, साइटोप्लाज्म जो था वो आपस में जो था वो फ्यूज कर गया, ठीक है। हमारे पास सिंगल सेल आ रहा है, लेकिन इसका न्यूक्लियस ना आपस में फ्यूज करा है। जब न्यूक्लियस फ्यूज नहीं करा है तो हमारे पास क्या आएगा, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस जो है हमारे पास
आ जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज, ठीक है। तो ये जो डाइकैरियोटिक स्ट्रक्चर बनेगी इसको हम क्या बोलेंगे, बैसिडियम, ठीक है। फिर कैरियोगैमी मतलब कि फ्यूजन होगी किसकी, न्यूक्लियस की, ठीक है। और मियोसिस होगी इसके अंदर, ठीक है, बैसिडियम के अंदर। और क्या बनेगा, फोर जो है बैसिडियोस्पोर्स बनेंगे। बैसिडियोस्पोर्स कितने बनेंगे, फोर बैसिडियोस्पोर्स, ठीक है। बैसिडियोमाइसाइट्स, सॉरी माइसिट्स के अंदर क्या है, बैसिडियोमाइस्पोर्स, सॉरी बैसिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, एक्सोजीनियसली, ठीक है, एंडोजीनियसली नहीं है, एक्सो है, एक्सो मतलब बॉडी के बाहर, ठीक है। बैसिडिया जो है वो अरेंज हो जाएगा इन द फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, इसे हम बैसिडियो कार्प्स कहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जो है बैसिडियोमाइसिट्स का वो है हमारे पास एगेरिकस, दैट इज ए मशरूम, यूस्टिलैगो, दैट इज ए स्मट, एंड पक्सिनिया जो जिसे हम रस्ट फंगस भी कहते हैं। नंबर थर्ड पे है हमारे पास एस्कोमाइसिटीज, इसे हम सैक फंजाई के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, और एस्कोमाइसिटीज हमारे पास ऐसी है जिसमें कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों तरह की फंजाई जो प्रेजेंट है, ठीक है। यूनिसेलुलर अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू आरएच वेटिकर, तो ईस्ट जो है, ठीक है, या फिर हमारे पास साइक्रोमाइसिस जो है ये यूनिसेलुलर है, तो ये किस में आएगा, ये आएगा किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर, लेकिन पढ़ेंगे हम इसको किंगडम फंजाई के अंदर, ठीक है। और ये कैसी है, मल्टी सेलुलर, तो देखिए मोस्टली जो फंजाई हमारी मल्टी सेलुलर है, लेकिन इसमें हमारे पास ऑर्गन प्रोड्यूस नहीं होती, इसके अंदर क्या होते हैं, लूज टिश्यू प्रेजेंट होती है, ठीक है, लूज टिश्यू होते हैं। मल्टी सेलुलर होती है लेकिन लूज टिश्यू वाली होती है। तो मल्टी सेलुलर में हमारे पास आता है पेनिसिलियम, ठीक है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होता है इससे, ठीक है। माइसीलियम जो है इसका वो मोस्टली जो है ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा, ठीक है। और ये कैसी होगी, मोस्टली स्पोरोफिटिक होगी, ठीक है, डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये जो है फीड करेगी। नेक्स्ट डिकम्पोजर्स होते हैं मेनली इस किंगडम के अंदर, ठीक, सॉरी इस एस्कोमाइसिटीज के अंदर, ठीक है। पैरासिटिक होगी, और पैरासिटिक, और ये हमारे पास कोप्रोफिलस भी होती हैं, जो कि हमारे पास जो जैसे काउडंग है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर ये ग्रो कर जाती है, ठीक है। इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन भी आया हुआ है शायद टैट या टीजीटी के इसमें, ठीक है, कि कोप्रोफिलस फंजाई जो है वो कौन सी फंजाई होती है, ठीक है। फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है बाय कोनिडिया होती है, थ्री टाइप्स ऑफ स्पोर्स हमने पढ़े थे ना, तो बाय कोनिडिया जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एस्कोमाइसिटीज के अंदर होती है, और ये एक्सोजीनस होती है यानी बॉडी के बाहर होती है, ठीक है। और ये कोनिडिया जो इसके द्वारा प्रोड्यूस होती है, दैट स्पेशल टाइप्स ऑफ माइसीलियम होता है जिसके द्वारा ये कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, कोनिडियो स्पोर्स, ठीक है। ये स्पेशल टाइप ऑफ माइसीलियम है जिससे कोनिडिया जो है वो प्रोड्यूस होंगे एक्सोजीनसली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एस्कोमाइसिटीज के अंदर देखें, तो इसमें एस्कोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंडोजीनसली, अब देखिए इसमें जो थे हमारे पास एक्सोजीनसली बॉडी के बाहर थे, इसमें बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं सैक लाइक, क्योंकि सैक फन जाएगी तो सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर जिसे हम एस्काई कहते हैं, ठीक है। और ये एस्काई जो होते हैं अरेंज होते हैं टू फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, ये जो फ्रूटिंग बॉडीज प्रोड्यूस होंगी ड्यू टू द जो ये अरेंजमेंट होगी एस्काई की, जिसको हम एस्को कार्प्स कहें। एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो वो है हमारे पास एस्परजिलस, ठीक है, क्लेविसेपस, न्यूरोस्पोरा, ठीक है। न्यूरोस्पोरा जो है इसको यूज किया जाता है बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क के लिए, ठीक है। मोरेल्स और ट्रफल्स जो है ये एडिबल है, हम इनको खा सकते हैं, ठीक है। हमारे पास दैट इज ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है, केवल और केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसके अंदर होती है, ठीक है। और ये रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअल स्पोर, जिसे कोनिडिया के द्वारा, ठीक है। और माइसीलियम जो होता है इसका सेप्टेट और ब्रांच्ड होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि अगर इसके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे हो रही है, अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो भी जाती है, तो उसे या तो एस्को या बैसिडियोमाइसिटीज के अंदर जो है उन क्लासेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है, फिर वो ड्यूटेरोमाइसिट्स नहीं रह जाते हैं, ठीक है। कि ड्यूटेरोमाइसिट्स को अगर हम बोले तो वो इकलौते ऐसे हैं जिसके अंदर की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और साथ में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। और इसमें से मेनली, सॉरी, सम ऑफ जो है वो हमारे पास सैप्रोफिटिक या पैरासाइट है, ठीक है। मेजोरिटी ऑफ डिकम्पोजर्स है लिटर के, जो कि मिनरल रिसाइक्लिंग में जो है वो हेल्प करते हैं। एग्जाम्पल जो है ड्यूटेरोमाइसिट के, दैट इज अल्टरनेरिया, ठीक है, कोलिट्रेट
ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई जो है वो फिनिश होती है। फोर मेजर ग्रुप्स हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट किंगडम आएगी वो आएगी हमारी प्लांट किंगडम। दो किंगडम बचती हैं हमारे पास, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ठीक है, तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और इस पर कमेंट जरूर करें कि आपको कैसी लग रही है। ठीक है, इससे मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।